पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद ईडी ने रांची के कांके रोड स्थित सरावगी बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान टीम को कई अहम जानकारियां और दस्तावेज मिले हैं। सुमन कुमार की रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए ईडी ने कोर्ट में इन दस्तावेजों का जिक्र किया था। दरअसल पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद सरावगी बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स लिमिटेड के बारे में ईडी को जानकारी मिली थी, जिसके बाद बुधवार को ईडी की टीम ने छापेमारी की। बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित करोड़ों रुपए पल्स अस्पताल के लिए जमीन खरीदने और निर्माण में खर्च किए। पूजा सिंघल के व्हाट्सएप चैट से इन बातों का खुलासा ईडी के समक्ष हुआ है। ईडी को जानकारी मिली है कि पल्स अस्पताल की जमीन की खरीद के लिए सरावगी बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स लिमिटेड को भारी रकम की भुगतान हुई थी और सरावगी बिल्डर्स के द्वारा भी अस्पताल की जमीन मुहैया कराई गई। पूछताछ में सीए सुमन कुमार ने बताया कि पूजा सिंघल के निर्देश पर ही उन्होंने पल्स अस्पताल की जमीन के लिए सरावगी बिल्डर्स को 3 करोड़ रुपए दिए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।